हेलो फ्रेंड, मेरा नाम इमरान और आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एसटीसी पे से फ्री में अपनी कंट्री में पैसा कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। इंटरनेशनल यानी आपकी कंट्री चाहे इंडिया, चाहे पाकिस्तान, चाहे बांग्लादेश, कहीं पर भी हो, इंटरनेशनल में आनी चाहिए तो आप अपनी कंट्री में फ्री में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। आपका कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एसटीसी पे को ओपन कर लेना है। इस तरह से आ जाएगा। आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल के इसमें लॉगिन कर लेना है। फिर इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इंटरनेशनल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे पैसा जो पहले से ट्रांसफ़र किया हुआ है ये आप यहाँ नाम दिख जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ ट्रांसफ़र मनी, इस पर क्लिक करना है। फिर इस तरह से आ जाएगा। आपको जो भी अमाउंट यहाँ पे डालना है सऊदी रियाल के हिसाब से, तो इस पर क्लिक करके ये पैसा यहाँ से पूरा कट कर देना है इस तरह से। मुझे इतना भेजना 1800, तो यहाँ पे इतना आ जाएगा, ये बांग्लादेश का है। अब यहाँ पे लिखा हुआ इंक्लूडिंग फीस, इसको ऑन कर देना है ताकि ये बैलेंस जो है इसमें से ही कट जाए। अब यहाँ पे ये प्रमोशन कोड डाल देना है। तो ये मेरा प्रमोशन कोड है। उसके बाद फिर यहाँ से बैक करके यहाँ पे आपको टिक लगा देना है और उसके बाद फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे अमाउंट लिखा, आप कितना ट्रांसफ़र कर रहे हैं और आपके एसटीसी पे में बैलेंस कितना है, किस नाम से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कौन से देश ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे आपका बैंक का जो है नाम दिख जाएगा, बैंक यानी ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट, यानी आप बैंक अकाउंट में भेज रहे हैं। एक्सचेंज रेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर अमाउंट टोटल यहाँ पर दिख जाएगा और यहाँ पर आपकी कंट्री का कितना पैसा बनेगा यहाँ पर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर वेट यानी जो टैक्स है कितना कट रहा है, यहाँ पर 0-0 कट रहा है, यानी आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ ट्रांसफ़र फीस, यहाँ पर 0-0, यहाँ पर ट्रांसफ़र फीस भी आप कुछ नहीं कटने वाला है। यहाँ पे आपका बैंक का नाम, यहाँ पे पूरा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा, बैंक अकाउंट दिख जाएगा। अब यहाँ पे फिर कंफर्म कर देना है। फिर इस तरह से आएगा, फिर यहाँ पे आई एग्री कर देना है। तो आप देख सकते हैं पैसा ये ट्रांसफ़र हो चुका है, यहाँ से डन कर देना है। अगर आपको चेक करना है पैसा ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पे लिखा हुआ माई ट्रांसफ़र, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रिव्यू। अगर ये इस तरह से आ जाएगा जैसे नीचे लिखा हुआ है ट्रांसफ़र कंप्लीटेड, अगर इस तरह से आ जाएगा तो ये जो है पैसा ट्रांसफ़र हो चुका होगा। तो इस तरह से आपको रिफ़्रेश करना है। अगर ये ग्रीन हो गया इसका मतलब ये पैसा चला जाएगा, मुश्किल नहीं है, लेकिन जब लिख के आएगा ट्रांसफ़र कंप्लीटेड तो पैसा यानी ट्रांसफ़र हो चुका है। तो बस ये आज की वीडियो में। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।